बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम नंबर 12.1.2 जो है वो फर्स्ट थ्योरम का एक कन्वर्स है। कन्वर्स क्या होता है उसको समझने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक वीडियो लिंक दिया है जिसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के साथ जो है कन्वर्स को एक्सप्लेन किया है, उसको आप देख लीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो लेक्चर में इस मौके पर मैं जरूरी नहीं समझता कि उसको एक्सप्लेन किया जाए, उसके बगैर ही आपका इंशाल्लाह ये थ्योरम कवर हो जाएगा। देखिए, स्टेटमेंट पढ़ने से पहले जरा मैं आपको एक और बेसिक बात बता दूं। कन्वर्स का मतलब होता है जो पहले थ्योरम में गिवन था वो इसका टू प्रूफ होगा, जो उसका पहले थ्योरम का टू प्रूफ था वो इसका जो है गिवन बन जाएगा। ठीक हो गया, यानी गिवन और टू प्रूफ इंटरचेंज आप करने से जो नया थ्योरम बनता है वो कन्वर्स होता है। पहले थ्योरम के गिवन और टू प्रूफ को इंटरचेंज करें, जो नया रिजल्ट बनेगा वो ये सेकेंड थ्योरम होगा, इसको हम प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले जरा मैं डायग्राम के थ्रू कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए, आपने करना क्या है कि आपने लेना है एक लाइन सेगमेंट ए बी, फिर आपने एक ए और बी से इक्वी डिस्टेंट एक पॉइंट लेना है पी, यानी पॉइंट पी आपने इस तरीके से लेना है कि वो इक्वी डिस्टेंट हो फ्रॉम ए एंड बी। जितना फासला पी का ए से हो उतना ही फासला पी का बी से हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 3 सेंटीमीटर पी ए है तो पी बी भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक हो गया। फिर वो जो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट पी आपने लिया है उसे उसके बारे में आपने प्रूव करना है कि वो पॉइंट पी किसी आम लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है, बल्कि वो पॉइंट पी बड़ी ही स्पेशल, बड़ी ही किसी खास लाइन के ऊपर मौजूद है। और वो लाइन कौन सी है? वो ए बी का राइट बाइसेक्टर। ठीक है, आपने प्रूव करके दिखाना है कि प्रूव दैट पॉइंट पी जो है वो ए बी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाकया है। ए बी का अगर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो पॉइंट पी उसका एक पॉइंट बनेगा, ऐसा आपने प्रूव करके दिखाना है। इन अदर वर्ड्स, अगर ए बी को प्रूव करके दिखाएं कि अगर ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो वो चलते चलते पॉइंट पी को बिल्कुल टच करके गुजरेगा, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एनी पॉइंट, प्रूव दैट एनी पॉइंट, तो स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। देखिए, फर्स्ट थ्योरम में मैंने आपको हिंट दिया था कि पेपर में बैठकर आप गिवन और टू प्रूव को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन के नीचे क्या लिखना है, टू प्रूव के नीचे क्या लिखना है। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि चैप्टर नंबर 12 का जो ट्रिक है वो ये है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं स्टेटमेंट के अंदर, इज एम आर, एम तो नहीं आएगा, इज और आर ही आएंगे। इससे पहले पहले वाला जो सा पोर्शन होता है वो आपने गिवन की हेडिंग के नीचे लिखना होता है, इसके बाद वाला जो सा पोर्शन होता है वो आपने टू प्रूव की हेडिंग के नीचे लिखना होता है। अब आप देखिए जरा, इज से पहले किस किस चीज का जिक्र है? एक पॉइंट का गिवन है जिक्र है, वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है। कहां से इक्वी डिस्टेंट है? एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो हम जिक्र करेंगे यहाँ पे गिवन के नीचे बताएंगे ए बी लाइन सेगमेंट है, सच दैट पी जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंट है, उसके नीचे हम लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पॉइंट पी ऐसा पॉइंट है कि उसका डिस्टेंस ए और बी से इक्वल है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। फिर उसके बाद प्रूव हम ये करना चाहते हैं द पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, यानी पॉइंट पी जो है वो किसी आम ऐसी वैसी लाइन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो ए बी का जो राइट बाइसेक्टर है उसका हिस्सा है, राइट बाइसेक्टर ए बी का उसको टच करता है। कंस्ट्रक्शन में आपने ए बी के ऊपर एक पॉइंट सी लेना है जो मिड पॉइंट हो, और फिर इस सी को पी के साथ ज्वाइन कर देना है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अच्छा, आगे प्रूफ इसका थोड़ा सा लेंथी है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट थ्योरम। इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आइडिया और प्लान बता दूं कि प्रूफ इसका करना कैसे है। ये आइडिया और प्लान आपने जहन में रखना है, अदरवाइज प्रूफ जब आप याद करेंगे और पेपर में लिखने बैठेंगे तो आप कहीं ना कहीं खो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी शुरू कहां से किया था और एंड कहां करना है। देखिए, आपने करना क्या है कि पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, आपने प्रूव करके दिखाना है वो जो लाइन है पी सी वो एक राइट बाइसेक्टर, लाइन पी सी क्या है? राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर क्या होता है? फर्स्ट थ्योरम में बड़ी डिटेल से मैंने इन डेप्थ इसको एक्सप्लेन किया था कि राइट बाई सेक्टर एक ऐसी लाइन या लाइन सेगमेंट होती है जिसके अंदर दो खूबियां होती हैं। पहली खूबी, वो जो है ए बी के मिड पॉइंट से पास करता है, और दूसरी खूबी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यानी दोनों के माबेन, दोनों के दरमियान एंगल कितना होता है? 90 डिग्रीज। अब इस थ्योरम में बुक वालों ने आपके लिए बड़ी ही एक आसानी पैदा कर दी है, आपका मुश्किल काम जो है वो आसान कर दिया है कि
मिड पॉइंट को आपने प्रूव नहीं करना, इसको डायरेक्ट जो है कंस्ट्रक्शन के नीचे आप जरा गौर करें, उन्होंने डायरेक्टली इसको लिख दिया, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपने एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है कि हमने सपोज कर लिया कंस्ट्रक्शन के नीचे के पॉइंट सी मिड पॉइंट है। अच्छा, सी अगर मिड पॉइंट है तो फिर ए सी इक्वल नहीं होना चाहिए बी सी के? यस, होना चाहिए, मैंने लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं एग्जाम में। तो पता चला कि प्रूफ में सिर्फ आपने ये जो एंगल है इस एंगल को 90 प्रूफ करके दिखाना है, इस एंगल को भी 90 प्रूफ करके दिखाना है। तो यहां से आपको नजर आ गया कि ये काम तो आपने करना नहीं है, सिर्फ ये काम करना है। तो प्रूफ में बुक वालों ने आपके लिए आसानी कर दी है कि आपको सिर्फ आधा काम करना है। देखिए, इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका प्लान बता देता हूं कि प्रूफ आपने करना कैसे। तीन स्टेप्स आपने याद रखने हैं। नंबर वन, ये जो आपको दो ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं, एक लेफ्ट साइड वाली और एक राइट हैंड साइड वाली, इनको आपने इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। ट्राइंगल ए सी पी को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है ट्राइंगल बी सी पी के इक्वल। ये पहला स्टेप होगा। जब ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होंगी तो आपने कहना है भी जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल ट्राइंगल्स के, वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए सी पी, उस वजह से आप इक्वल कर दोगे एंगल बी सी पी के, दोनों 90 90 के इक्वल होंगे। अच्छा, तीसरा स्टेप आपने याद रखना है कि थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन करनी है एक लाइन की, और आपका ये जो प्रूफ होगा ये कंप्लीट होगा। अब इन्हीं तीनों स्टेप्स के अकॉर्डिंग मैं प्रूफ आपका शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल प्रूव करने से पहले जिन दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव करना होता है उनकी करेस्पॉन्डेंस लिखी जाती है। हमने लिख दिया कंसिडर द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ए सी पी एंड ट्राइंगल बी सी पी। इसका मतलब है कि हम दोनों को कंपेयर करते हैं। जरा डायग्राम में देखें, इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान में ये जो साइड पी सी है वो कॉमन है, जैसे दो कमरों के दरमियान में एक दीवार कॉमन होती है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक हो गया, और हमें गिवन था पी ए इज इक्वल टू पी बी। इन तीनों बातों को यहां आप लिख दें। तो जब भी दो ट्राइंगल्स हो, दो या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स हो, और उन ट्राइंगल्स की तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएं, तो तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने की वजह से ट्राइंगल्स भी इक्वल होती हैं। ऐसा हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था, इसको कहते हैं ट्रिपल एस थ्योरम। अब ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, तो ये आप देखें स्टेप नंबर वन हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करना है। तो हम लिखेंगे कि ये डायग्राम में जरा गौर करें, आप मैं कलर चेंज कर लूं, डायग्राम में गौर करें। अभी हम कहेंगे कि ये वाला जो सा लेफ्ट साइड वाला एंगल है वो इस राइट साइड वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों इक्वल ट्राइंगल्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल ए सी बी इक्वल एंगल बी सी के बिकॉज द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद आप गौर करें, ए बी जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और आपने याद रखना है कि जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है वो हमेशा 180 होता है। कहीं आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है उसका ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, हमेशा 180। इसका नाम होता है स्ट्रेट एंगल। तो यहां पे हम लिख देते हैं बट एंगल ए सी पी, इसका ये पता चला हमें मतलब कि ये एक पेरेंट एंगल था। ये कौन सा एंगल था, एक पेरेंट एंगल। आगे इसके अंदर दो चाइल्ड एंगल्स हैं इसके, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर एक चाइल्ड इसका ये हो गया और दूसरा चाइल्ड ये हो गया। इन दोनों को प्लस करें तो आंसर आता है 180। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी पी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी पी इक्वल्स 180। ये रीजन थोड़ी डिफरेंट लिखी हुई है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसको मैं एक्सप्लेन करना जरा जरूरी समझता हूं, आप देखिएगा। पहली बात पता होनी चाहिए, व्हाट आर द एडजेसेंट एंगल्स। ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, आप जरा देखें। दो एग्जांपल्स आपको मैं देता हूं, एक मैंने डायग्राम ये बनाई और एक और डायग्राम में बनाता हूं ये। आप देखें ऊपर वाली डायग्राम में दो एंगल्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। और नीचे अगर आपसे मैं पूछूं ये वाला और ये वाला जो हाईलाइट किए हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। कैसे पता चलता है, एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं कि जिनका वर्टेक्स और एक साइड कॉमन हो। आप देखें ये एंगल नंबर वन, ये एंगल नंबर टू, तो इनका इनकी ये वाली साइड कॉमन है, दोनों की है, और इनका ये वर्टेक्स भी कॉमन है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हुए। नीचे आप देखें ये एंगल और ये एंगल, इनकी एक साइड भी कॉमन नहीं है और वर्टेक्स भी कॉमन नहीं है, इसलिए लिहाजा ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, देखें एक एंगल है 30 और एक है 150, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मुझे कैसे पता चला,
अगर दो एंगल्स को प्लस करने से आंसर इक्वल टू 180 आ जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. 150 एंड 30 आर द सप्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर. इसके ऑपोजिट आप देखो, 30 प्लस 140 को अगर मैं ऐड करूं तो आंसर आता है 170. तो हम कहेंगे 140 एंड 30 आर नॉट द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर. यहां से हमने कहा कि ईच ऑफ द एंगल ए सी पी एंड बी सी पी इक्वल्स 90. इसकी कैलकुलेशन में आपको करके दिखा देता हूं, फाइनल स्टेप्स हैं. आप देखें यहां पे हमारे पास ए सी पी किसके इक्वल है, बी सी पी के इक्वल है. तो ए सी पी की जगह आप लिखें बी सी पी, क्या रिजल्ट आएगा, मैं यहां लिखता हूं एंगल बी सी पी, ए सी पी की जगह लिख दिया, फिर इसको लिखें एंगल बी सी पी इक्वल है लिखा हुआ 180 के. अब बी सी पी प्लस बी सी पी हो जाएगा 2 टाइम्स बी सी पी, वो 2 राइट साइड पे जाकर 180 को डिवाइड करेगा. 180 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 90. तो एंगल बी सी पी इक्वल आ गया 90 के, लेकिन एंगल बी सी पी इक्वल था एंगल ए सी पी के फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो ये दोनों इस तरह से 90 के इक्वल हुए. अब जरा मैं कंक्लूड करने वाला हूं, आप गौर करें. कंस्ट्रक्शन में आपने कहा था कि सी जो है वो कौन है, मिड पॉइंट है. PC जो है मिड पॉइंट से पास कर रहा है. ओके, अभी आपने प्रूव कर दिया कि PC और AB के दरमियान जो एंगल है वो 90 बन रहा है दोनों साइडों पे. तो पता चला कि PC जो है वो परपेंडिकुलर है AB के ऊपर. हम सीख चुके हैं यही दोनों क्वालिटीज होती हैं किसी लाइन के लिए एक राइट साइड एक राइट बाई सेक्टर बनने के लिए. किसी कोई लाइन अगर राइट बाई सेक्टर बनना चाहती है तो ये दो खूबियां उसके अंदर होनी चाहिए. तो PC के अंदर ये दोनों खूबियां आ चुकी हैं. पहली खूबी कंस्ट्रक्शन में आई थी, दूसरी हमने अभी प्रूव करके दिखाई है. तो हेंस पीसी इज द राइट बाइसेक्टर. और उसके नाम से ही आपको आइडिया हो रहा है, पीसी के नाम से ही आपको आइडिया हो रहा है कि लाइन जो है वो पी को टच करके गुजरी है, तभी उसका नाम जो है वो हमने पीसी रखा ना. तो कंक्लूड करते हैं, दैट इज पीसी परपेंडिकुलर टू ए बी. कंस्ट्रक्शन से पता चला सी वॉज द मिड पॉइंट, दोनों खूबियां आ गई, हेंस पीसी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी. और पीसी का जो नाम है उसके नाम से ही आपको आइडिया हो रहा है कि पॉइंट पी उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है. हेंस पॉइंट पी इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी.